तो बिजली होती है, फिर ये गाय का नाम बिजली कैसे? आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। हम फिर से सोनपुर मेला पहुंच चुके हैं। पिछले बार आपको हाथी, घोड़ा, घिरनी सब दिखाया था, इस बार कुछ अलग दिखाने आए हैं। सो लाइव सिटीज आपको हर कुछ दिखाएगा। अभी हम लोग गाय मार्केट में हैं, हमारे पीछे देख सकते हो, और ये गाय मार्केट इतना फेमस है कि लोग बड़े दूर दूर से खरीदने और बेचने बहुत आए हैं। आपका नाम सर? पार्थो सौती बनर्जी। कहाँ से आए आप? कोलकाता। गाय खरीदने या बेचने? खरीदने। आपने गाय देखा? देखा है। कैसा लग रहा है? ठीक ठाक है। क्या फ़र्क दिख रहा है दूसरे मार्केट से यहाँ? दाम थोड़ा ज़्यादा है। दाम ज़्यादा है। कितने दाम के आपको देखने को मिल रहे हैं? 65-70 thousand। आप कितने का तलाश कर रहे थे? 40-45। आपने कितने गाय देख लिए अभी तक? 10-12 देखा है। 10-12 देखा है। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ। आपका नाम? अभिषेक बनर्जी। आप कहाँ से आए? कलकत्ता से। क्या अच्छा लग रहा है सोनपुर मेले के गाय मार्केट में? वैरायटी बहुत है। अच्छा। क्वांटिटी बहुत है, मैं चॉइस करने में ऑप्शन ज़्यादा है। अच्छा, यही अच्छा लग रहा है। आपको गाय पसंद आई? हाँ, मोटा मोटी पसंद आई है। कौन कौन सी किस्म की गाय दिखी मार्केट में? होलस्टाइन है, मिक्स्ड है, जर्सी है। अच्छा, यही तीनों अभी तक दिखाई दिया है। ओके, तो आपने गाय खरीदा, आपका बजट क्या और कितने, क्या रेंज का गाय दिख रहा है यहाँ? रेंज है 60 है, 70 है, एक वहाँ पर 1,10,000 का भी है। 1,10,000 का भी गाय है। तो आप, आपको पसंद आया, आपने खरीद लिया? नहीं, बातचीत चल रहा है अभी। अभी बाकी चल रहा है। आपका नाम? राजेश कुमार। राजेश जी, कहाँ से आए आप? हम बिहार के नवादा से आए। खरीदने या बेचने? नहीं, हम देखने के लिए आए। देखने आए मेला। क्या सही लग रहा है गाय मार्केट में आपको? हाँ, ठीक है। उन्नत किस्म के नस्ल का गाय है और इससे अगर मान लिया कि विकास किया जाए तो बहुत अच्छे बिहार में का प्रभाव बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, तो लोग कोलकाता से आए हैं, नवादा से आए हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, हम उनके पास जाते हैं। आपका नाम? हमारा विश्वनाथ मानना। कहाँ से आए? कलकत्ता से। कलकत्ता से। आपने कौन कौन सी गाय देखी और कौन कौन तो देखा है? सबका बड़े किस्म का गाय देखे हैं। हाँ। पसंद भी है। अच्छा। लेकिन दाम थोड़ा इधर उधर देखता है, सब पूरा मार्केट में हम देखेंगे। तो सोनपुर का गाय में गाय मार्केट कैसा लग रहा है? अच्छा लगता है। अच्छा। बहुत नाम और सुना है यहाँ का, इसलिए लालच भी है, यहाँ से लेकर जाएंगे। आगे। तो लोगों को लालच भी, इतिहास को हम लोग जोड़ना चाहते हैं फैमिली में, उसीलिए हम लोग इंटरेस्ट है। कब आए आप कोलकाता से? 2 दिन। कितने दिन के लिए आए? आया 2-4 दिन रहेंगे, अपना गाड़ी लेके आए हम लोग। लोग अपने गाड़ी को लेकर आए हैं और गाय मार्केट में आए हैं, और भी हम गाय दिखाएंगे आपको, जुड़े रहे हमारे साथ। अभी हमने आपको गाय मार्केट दिखाया, मगर इस गाय मार्केट में एक गाय जो बहुत चर्चा का विषय है, ये गाय बड़ी प्यारी है देखने में,
और इसकी कीमत से लेकर इसका दूध देने की क्षमता, और इसको देखने के लिए भीड़ लगा हुआ, देख लो आप, देखने के लिए भीड़ है मार्केट में। ये गाय बड़ी फेमस गाय है, अगर आप इस मेले में आते हैं तो इस गाय को भी देखे बिना जाते हैं तो आपको अफसोस होगा। इस गाय के मालिक, इस गाय का देख रेख करने वाले लोग हमारे साथ हैं। आपका नाम? बच्चा सिंह। कहाँ से आए हैं? ये एक रहीमापुर गांव हुआ। हाँ जी, जंदाहा रोड। जी जी। इस गाय की कीमत क्या है? 1.10 है सर। अच्छा, गाय 1.10 क्यों सर? इसलिए कि बच्चा जब देती है तो 30 किलो से ऊपर दूध करती है। उसकी बच्चा? जी। अच्छा, ये भी 30 किलो दूध पहली में किया है। अच्छा, अमरी दूसरी बच्चा देगी। हाँ। अमरी 35 करेगी। एक दिन में 35 किलो दूध तक? जी। इस गाय का नाम क्या रखा है आपने? इसका नाम है बिजली। बिजली? जी। अरे, नाम बिजली और काम भी बिजली की तरह तेजी से। जी। खिलाते क्या है सर इसको? भूसा चोकर। भूसा चोकर। इसका देख रहे की मैं आप क्या क्या करते हैं इसको, कैसे इसका सुबह से शाम कैसा होता है? सुबह से शाम खाती है, भीतर बढ़ा जाती है सरा में। उसके बाद गर्मी जब गिरती है तो पंखा वगैरह चालू कर देते हैं। इसके लिए स्पेशल कुछ इंतजाम किया गया है? देख रेखाव में, मतलब हम लोग अनुभवी आदमी है। हाँ। कोई दिक्कत होती है तो मेडिसिन अपने दे लेते हैं। हाँ जी। और इसके साफ सफाई का कैसे होता है डेली? साफ सफाई सुबह में, मतलब गर्मी गिरती है तो नहा देते हैं डेली। हाँ। गर्मी नहीं, ठंडी के दिन में 2-3 दिन पर एक बार नहा देती है। अच्छा, सुबह सुबह। तो ये सुबह में कितने केजी दूध करती है और शाम में कितना केजी करती है? 3 टाइम दुहाती है सर। 3 टाइम? हाँ, तीनों टाइम कितना करती है? 10-10 किलो 3 बार। 10-10 किलो 3 बार। जी सर। इसका एक दिन का खाने का खर्चा आपका कितना आता है खिलाने का? करीब 200 से 250 रुपये। 200 से 250 रुपये। जी सर। कितने दिन से है आपके पास ये गाय? ये बच्चे से हमारे यहाँ है। बच्चे से? जी। कौन नस्ल का है ये? HF फ्रीजियन हुआ सर। HF फ्रीजियन। जी। कस्टमर कहाँ कहाँ से आ रहे और क्या देख कर कह रहे हैं? सिवान उबान बहुत दूर के, मोतिहारी, इन्हें बेगूसराय से सब तरह के आते हैं। देख कर जाते हैं, दाम भी लगाते हैं लेकिन पट नहीं पाता है। आपने क्या दाम रखा और कस्टमर क्या दाम बोल रहे हैं? हम सर इसको 1,10,000 मांगे, कस्टमर 80-85 लगाते हैं। अच्छा जी। तो इसका नाम बिजली है? जी सर। बिजली ही नाम क्यों रखा? बिजली रखा इसलिए कि बहुत तेज़ी से खाती है। बहुत तेज़ी से खाती जी। है। अच्छा, तो कितने टाइम खर्चा चारा देते हैं इसको? सुबह शाम। सुबह शाम। जी। और आपका पूरा नाम सर? बच्चा सिंह रहीमापुर। बच्चा सिंह। जी। ये है बच्चा सिंह और ये है इनकी बिजली। कहानी बड़ी लाजवाब है। और बिजली क्यों नाम है आपने सुना? बिजली नाम इसलिए है कि बड़ी तेज़ी से खाती है और दूध भी 3 वक्त देती है और 10-10 केजी करके देती है। भीड़ लगा हुआ है, लोग हैं हमारे साथ। कहाँ से आए हैं सर आप? शाहपुर दियारा पंचायत से। अच्छा, ये गाय देखकर कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा। गाय देखने आए थे? हाँ, गाय बाजार में तो गाय देखने आए। अच्छा, तो ऐसा गाय देखा था इससे पहले? पहले तो देखा था। पहले देखा था जी। कीमत का गाय? और इतनी कीमत का गाय देखा था? नहीं, इतना कीमत करना उससे कम था। उससे कम था। ये बिजली गाय इतनी फेमस है कि इसका आप अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं। वो इसलिए कि ये बच्चा, कहाँ से आए हो आप? मुजफ्फरपुर से। आपका नाम? आदित्य सिंह। आदित्य, किस लिए आए थे? यहाँ पर सुना था कि एक गाय का नाम बिजली है, तो वैसे तो घर में तो बिजली होती है, फिर ये गाय का नाम बिजली कैसे? गाय का नाम बिजली है। तो अब आपको देखकर क्या लग रहा है, ये गाय को कैसी लगी गाय? अच्छी है। अच्छी है। अब देख लियो बिजली कैसी है। तो ऐसी गाय आपने पहले कभी देखी थी? नहीं। नहीं देखी थी? क्या अच्छा लग रहा है इसमें? इसमें? हाँ, कलर। हाँ। अच्छा, अब घर जाकर और लोगों को जाकर क्या बताओगे अपने दोस्तों को? घूम लिया, बिजली देख ली। सेल्फी लिया इसके साथ? नहीं, बाद में लोगे। हाँ। तो लोग सेल्फी ले रहे हैं और ये बच्चा आदित्य बड़े मुजफ्फरपुर से आया, और सिर्फ इसलिए कि बिजली क्या है भाई, घर में जो बिजली आती है वही तो नहीं। तो ये बिजली गाय इतनी फेमस है कि बच्चे बच्चे इसके फैन है। और ये आदित्य को आपने सुना, लोग देखने के लिए खड़े हैं। तो ये है बिजली। अगर आप सोनपुर मेला आते हैं और काउ मार्केट आते हैं तो अगर ये जब तक अगर बिकी नहीं तो आपको बिजली का दीदार हो जाएगा। और जब इसे देखोगे, बड़ी प्यारी है, बहुत प्यारी, इसका कलर भी बहुत अच्छा। और बिजली इसका नाम सिर्फ इसलिए पड़ा कि ये बहुत तेज़ खा लेती है। तो अगर आप सोनपुर मेला आते हैं, काउ मार्केट में आते हैं, तो इस बिजली के साथ एक सेल्फी आपकी बनती है। आपको हर ऐसी चीज़ जो काउ मार्केट से लेकर सोनपुर मेले की फेमस है, वो लाइव सिटीज़ आपको दिखा रहा है। जुड़े रहे हमारे साथ, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।